आज ये बनाने वाली हूँ रबड़ी। और उसके लिए मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। इनको मैं काट के डाल लेती हूँ पैन में और दूध को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, हमें दूध को अच्छे से चलाते जाना और जो मलाई आती जाएगी उसको हम साइड में करते जाएंगे। अब हम इसको स्लो गैस पे पका रही हूँ मैं इसको। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची। मैंने 2 इलायची डाली कूट के, आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब दूध का कलर चेंज हो गया है काफ़ी देर होगी इसे उबलते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँ चीनी टेस्ट के अनुसार। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और फ्रेंड्स, हम इसे स्लो गैस पे अच्छे से बॉईल करते रहेंगे ताकि ये साइड में ना लगे। अच्छे से चम्मच से चलाते रहेंगे इसे। फ्रेंड्स, साथ में मैं चाशनी बना रहा हूँ। मैं 1 तार वाली चाशनी बना रहा हूँ। ये मैंने सिंक पर 1.5 गिलास पानी लिया, उसमें टेस्ट के अनुसार चीनी ऐड करी और 2 से 3 इलायची उसको मैं उबाल रही हूँ। उबालना में जब तक ये कि 1 तार की ना बन जाए। और फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। ये मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर ऐड किया इसमें। अच्छे से चलाएंगे। और फ्रेंड्स, हम इसको चलाते रहेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसको। और हम इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे स्लो गैस पे। फ्रेंड्स, ये मेरी चाशनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं गैस का फ्लेम कर देती हूँ बंद। देखो, मैं अभी और 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। थोड़ा सा इसको मैं थिक करूंगी। मेरी रबड़ी बनके बिल्कुल तैयार होगी। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। मैंने ज़्यादा इसको थिक नहीं किया है। मैंने थोड़े से निकाल के ठंडे करने के लिए रख दी थी। बिल्कुल देखो, थिक हो गई है मेरी रबड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। और फ्रेंड्स, ये मेरा केवर बनके बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ रबड़ी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching my video.